नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंदीप और आप देख रहे हैं मंदीप ब्लॉग्स। तो टूल्स की सीरीज़ में आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। तो जैसे आप देख ही रहे हैं कि हम आज मार्बल कटर्स, हमारे पास चार मार्बल कटर यहां पे लगे हुए हैं, बॉश का, डिबॉट का, मकीटा का एंड ब्लैक एंड टाइगर का। तो इस वीडियो में दोस्तों हम इन चारों का कंपेरिज़न करेंगे, ठीक, और ट्रू कंपेरिज़न करेंगे। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको इन चारों में से कौन सा बेस्ट लगा, और डिटेल में इनका रिव्यू और अनबॉक्सिंग करते हैं। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो स्टार्टिंग हम बॉश से करते हैं। तो पहले बॉश का कटर हम बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों ये चारों मार्बल कटर मैंने निकाल लिए हैं। तो अब स्टार्टिंग करते हैं। जो स्टार्ट करेंगे, पहला मार्बल कटर लेंगे हम, वो है बॉश का। तो काफ़ी रिनॉन ब्रांड है इंडिया में और हर कोई भाई इसको जानता होगा इस ब्रांड के बारे में। तो ये बॉश का प्रोफेशनल सीरीज़ का मार्बल कटर है जो कि 1200 वॉट मोटर के साथ आता है, और जो इसके कट की डेप्थ है वो 34 mm की इसके कट की डेप्थ है। और उसके बाद बात करेंगे हम इसके बिल्ड क्वालिटी के बारे में। तो बॉश है तो नो डाउट बिल्ड क्वालिटी इसमें बढ़िया है, हमें देखने को मिल रही है। और बात करते हैं कि साथ एक्सेसरीज़ की, तो बॉश की तरफ से कोई ख़ास एक्सेसरीज़ इसके साथ नहीं है, और बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, कॉर्ड की लेंथ और क्वालिटी वो भी अच्छी है। यहाँ पे हमें बॉश की ब्रांडिंग मिल जाती है, और ये नीचे सेफ्टी प्लेट है जो स्ट्रेट काम करने में हमें काफ़ी हेल्प करती है। और यहाँ पे कटर का ब्लेड अटैच करने की एडजस्टमेंट का हमें देखने को मिल जाता है, और इस तरफ हम इस ब्लेड को एडजस्ट कर सकते हैं इस प्लेट को नीचे, कि हमें कटर कितनी डेप्थ में कटाई करनी है हमने, उसी हिसाब से हम इसे एडजस्ट कर देते हैं। तो काफ़ी कन्वीनियंट है। और यहाँ पे इसका जो स्विच है, पावर स्विच है, वो दिया गया है इस तरफ, तो काम करते टाइम काफ़ी इजी और कन्वीनियंट है ये भी। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास है दोस्तों डीवॉट का मार्बल कटर, जो कि 1270 वॉट मोटर के साथ आता है, और जो इसके मैक्सिमम आरपीएम है एक मिनट में वो 13500 आरपीएम एक मिनट में है। और दोस्तों ये 5 इंची मार्बल कटर है और डिवॉट का 4 इंची मार्बल कटर है। तो ड्रॉबैक डिवॉट में ये है कि डिवॉट में 5 इंची मार्बल कटर नहीं आता। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो जैसे डिवॉट के सभी प्रोडक्शन में हमें येलो और ब्लैक का कॉम्बिनेशन मिलता है, इस तरफ डिवॉट की ब्रांडिंग है, और बिल्ड क्वालिटी इसकी भी काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग है। और वेट वाइज बात करूँ तो बॉश का वेट इससे ज़्यादा है, डिवॉट के मार्बल कटर से बॉश का वेट थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे हमें डिवॉट की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, और वाटेज और जितनी भी स्पेसिफिकेशंस हैं उसकी जानकारी मिल जाती है। और उसी तरह जैसे ही बॉश में है तो ये भी इजी टू यूज़ है, और इस प्लेट को हम जितना भी एडजस्ट करना चाहें उसी हिसाब से हम एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और इसका भी जो स्विच है, पावर स्विच है दोस्तों, काफ़ी कन्वीनियंट है, जिस तरह हम यूज़ कर रहे हैं तो काफ़ी कन्वीनियंट है। किसी हाथ से भी हम काम करेंगे, लेफ्ट और राइट, तो ये भी काफ़ी कन्वीनियंट है उसी हिसाब से। तो आगे हमारे पास पड़ा है मकीटा का, तो ये भी एक अच्छा ब्रांड है, रिनॉन वर्ल्ड वाइड ब्रांड है। तो बात करते हैं इसके साथ, तो इसके साथ भी हमें एक्सेसरीज़ में एक पानी के लिए पाइप मिलता है, इसी तरह डिवॉट में भी हमें पानी के लिए एक पाइप मिलता है। और बात करें कंपेरिज़न की तो डिवॉट का पाइप जो है पानी वाला, उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू मकीटा। और देख सकते हैं यहाँ ऑन ऑफ के लिए नोजल्स भी दी हुई हैं, और इसको क्लैंप करने के लिए भी, यहाँ जहाँ टैप से हम पानी देंगे वहाँ अटैच करने के लिए भी पॉइंट है। तो हम बात करते हैं मकीटा की। तो मकीटा जो है 1250 वॉट की मोटर के साथ हमें मिलता है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है इसकी। और दोस्तों ये भी 5 इंची मार्बल कटर है, और अगर साइज़ की बात करूं तो अभी तक जो मतलब 3 प्रोडक्ट हमने देखे हैं तो इनमें से साइज़ जो है मकीटा का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू बॉश और डीवॉट। तो थोड़ा कॉम्पैक्ट है डीवॉट का मॉडल और मकीटा का थोड़ा बड़ा है। तो बात करते हैं हम वायर से, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वायर इसमें अटैच है, और बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और वेट वाइज बात करते हैं तो
अभी भी बॉश का वेट जो है इन दोनों से ज़्यादा है। तो मकीटा की जैसे हम देखें कि बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और यहाँ पे हमें ब्रांडिंग मिल जाती है, स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं मकीटा की, और इसका भी स्क्रू टाइप है जैसे बॉश में था उसी तरह स्क्रू टाइप है, टाइट करें और लूज़ करें और इस प्लेट को जहाँ भी चाहें हम उस डेप्थ की कटाई के लिए एडजस्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं इसके भी पावर स्विच की, तो काफ़ी कन्वीनियंट है दोस्तों। और थोड़ा सा मुझे मकीटा में मतलब ग्रिप जो है इतना कंफर्टेबल नहीं लगा एज़ कम्पेयर टू हम देखें डीवॉट में काफ़ी मतलब कन्वीनियंट है, यहाँ पे थोड़े पॉइंट्स दिए गए हैं तो इजी ग्रिप हो जाता है। तो इसमें मकीटा में थोड़ा ग्रिप की दिक्कत ज़रूर लग रही है, बाकी रेगुलर यूज़ करने के लिए तीनों में यहाँ स्विच हम देख सकते हैं, ये वाला तो यहाँ दिया गया है। तो अभी हमारे पास तीसरा जो प्रोडक्ट है वो है ब्लैक एंड टाइगर। तो इन तीनों का जैसे 1250, 1270 और 1250 वॉट की मोटर्स के साथ ये तीनों प्रोडक्ट अवेलेबल हैं, तो इसमें यहाँ थोड़ा सा एज मिल जाता है ब्लैक एंड टाइगर को। तो जो इसका इसकी मोटर है वो 1800 वॉट की मोटर है और काफ़ी हैवी मोटर है, और 13,000 पर मिनट इसका जो रोटेशन है व्हील का वो रोटेशन आता है। और बात करें इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो वायर इन तीनों में से बॉश मकीटा और डिवॉट से वायर काफ़ी लंबी नज़र आ रही है यहाँ पे, और बिल्ड क्वालिटी भी एज़ कम्पेयर टू स्ट्रॉन्ग है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ब्लैक एंड टाइगर की वायर है, तो इसकी मोटाई आप देखें, और ये मकीटा की वायर है, और इसी तरह दोस्तों ये डिवॉट की वायर है और ये बॉश की है। और इन चारों में से जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नज़र आ रही है तो वो इसकी वायर है। और कुछ खास ग्रिपिंग के लिए भी यहाँ पे हमें मिलता है कि अच्छा ग्रिप मिल पाए, और काफ़ी हैवी है, और वेट वाइज मुझे लग रहा है कि इन चारों में से ब्लैक एंड टाइगर जो है वेट वाइज बिल्ड क्वालिटी वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो बात कर रहे हैं इसके नीचे वाले फ्रेम की और सारे की, तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी हमें इसमें देखने को मिलती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ब्लैक एंड टाइगर की ब्रांडिंग मिल जाती है, स्पेसिफिकेशंस की डिटेल हमें यहाँ पे मिल जाती है, और बॉश डिवॉट और मकीटा में से मुझे ब्लैक एंड टाइगर का जो ग्रिप है काफ़ी अच्छा लगा। आप देख सकते हैं थोड़ा रबराइज्ड ग्रिप है यहाँ पे, तो जैसे लंबा समय हमने काम करना है, काफ़ी देर तक हम काम कर रहे हैं, वाइब्रेशंस भी हो रही हैं कटिंग के टाइम पे, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है अगर रबर ग्रिप हो तो हाथ को काफ़ी कन्वीनियंट रहता है। तो इसमें भी जो इसका एडजस्टमेंट प्लेट है तो वो काफ़ी कन्वीनियंट तरीके से एडजस्ट करने का दिया हुआ है, जैसे उसमें स्क्रूज मिलते हैं हमें उसको टाइट करना ढीला करना, तो यहाँ पर सिंपल लॉक सिस्टम है, तो आप कहीं पे भी आप जितनी डेप्थ पे आपने कटाई करनी है तो वहाँ पे आप लगा कर इसको लॉक कर सकते हैं, और काफ़ी कन्वीनियंट है इस हिसाब से इसको कटाई करते समय भी। तो दोस्तों अब यूज़ की बात करते हैं, ये तो हो गया प्रोडक्ट के बारे में। तो ये 5 इंची में हमारे पास बॉश का अवेलेबल है, डीवॉट का 4 इंची में अवेलेबल है, मकीटा 5 इंची और ब्लैक एंड टाइगर ये भी 5 इंची, जो ये साइज़ हमें इनमें देखने को मिलते हैं। और जो वॉटेज है मोटर की उसके हिसाब से बात करें तो ये 3 कटर जो मेरे हिसाब से हैं लकड़ी के काम के लिए, उसके बाद हम बात करेंगे प्लम्बिंग, जैसे उन्होंने वॉशरूम्स में काम करना है या कहीं इलेक्ट्रिसिटी वाले भाई हैं जो जिन्होंने पाइप फिटिंग का काम करना है तो वहाँ झरी के काम के लिए लेना है, तो उस काम के लिए ये तीनों ठीक हैं, क्योंकि इनकी जो मोटर की क्वालिटी है या वोल्टेज है वो 1250, 1270 वॉट के तकरीबन ये मोटर की कैपेसिटी है। और वहीं अगर कंक्रीट का काम करना हो तो मेरे हिसाब से ये कैपेसिटी थोड़ी कम पड़ जाती है, तो वहीं पे थोड़ा एज फिर से मिल जाता है ब्लैक एंड टाइगर को, क्योंकि 1800 वॉट की मोटर है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैवी मोटर है, तो झरी का काम जैसे हो कंक्रीट में हमने काम करना हो, मार्बल में काम करना हो, तो वहाँ थोड़ा जैसे हार्ड काम करना है तो वहाँ पे 1800 वाट की मोटर हमेशा एज ले जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों थोड़ा इनके बिल्ड क्वालिटी के बारे में और इनके वेयर एंड टेयर स्पेयर्स के बारे में। तो जैसे आपको पता ही है कि ये 3 ब्रांड्स जो है कि नॉन ब्रांड्स हैं, इनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल इजीली अवेलेबल हैं, उसी तरह से ब्लैक एंड टाइगर के स्पेयर पार्ट्स और रिपेयर मेंटेनेंस बहुत ही ईजीली अवेलेबल है इंडिया में। और यही बात करते हैं तीनों चारों प्रोडक्ट्स के स्पेयर पार्ट्स की कॉस्ट के बारे में।
तो बॉश, मकीटा और डीवॉट में अगर बात करें, कोई भी हम स्पेयर पार्ट परचेज करने जा रहे हैं तो थोड़ा एक्सपेंसिव एज पे मिलेगा, वहीं ब्लैक एंड टाइगर का जो स्पेयर पार्ट है वो काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे हमें देखने को मिल जाएगा। और अभी हम बात करेंगे इन चारों के जो प्राइजेज़ हैं उन प्राइजेज़ के बारे में। तो बॉश जो है दोस्तों वो तकरीबन हमें पड़ता है 3200 का, जो मैंने प्राइस देखा है, चेक किया है उस हिसाब से। और डिवॉट की बात करें तो डिवॉट जो है इसका प्राइस तकरीबन 3900 की रेंज में पड़ता है। वहीं मकीटा की बात करें, जो मकीटा का प्राइस है वो 4000 के अराउंड है। और वहीं ब्लैक एंड टाइगर का जो प्राइस है दोस्तों वो 3000 रुपया जो इसका प्राइस है। और ये चारों प्रोडक्ट्स हमारे पास गुडविल मशीन टूल्स में अवेलेबल हैं। ठीक, आपको कोई भी प्रोडक्ट अगर परचेज़ करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर दिए हुए, आप वहाँ पे कॉल कर सकते हैं और अधिक जानकारी ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने नंबर के साथ दोस्तों लिंक भी छोड़े हैं, आप उन लिंक्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये था चार मार्बल कटर्स का एक कंपैरिजन, जो कि उनकी स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से, थोड़ा मार्केट के हिसाब से मैंने कोशिश की है बनाने की। अगर कोई भी सुझाव हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप किसी और प्रोडक्ट का कंपैरिजन चाह रहे हैं या फिर आप चाह रहे हैं कि हम उसका रिव्यू करें तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह प्रोडक्ट्स के रिव्यू करते हुए। तो टिल देन, गुड बाय।